सो हे बालको दिस इज योर बायोलॉजी टीचर एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन यून चैनल आर पैशन सो हेयर वी वर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर नंबर हाउ डू चैप्टर नंबर एट फ्रॉम एनसीआर टी बुक क्लास टेंथ बायोलॉजी सब्जेक्ट हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हम बात कर रहे हैं कि भाई वाला कैसे हो रहे हैं वही तो बातें कर रहे हैं आगे जनरेशन कैसे बढ़ रही है वो सब बातें कर रहे थे सारा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ए सेक्शुअल से लेके हमारा जो सफर था सेक्शुअल तक कंप्लीट हो चुका है सेक्शुअल प्रोडक्शन कैसे हुआ फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे हुआ एनिमल्स में कैसे हुआ बेसिकली ह्यूमन बींग्स में कैसे हुआ वो हम बात कर चुके हैं बेबी डेवलप कैसे होता है या फिर आपके इस पर नहीं आया तो क्या होता है फीमेल बॉडी में वो सबके बारे में बात कर चुके हैं तो फाइनली टुडे इज गोइंग टू बी आवर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब एक नॉर्मली ना आपसे पूछा जाए कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं आप तो आप क्या सोचेंगे हाँ यार मतलब तो ठीक तो है सब कुछ सही टाइम से लड़कियों से पूछा जाएगा हाँ टाइम से पीरियड्स हो रहे हैं और लड़कों का भी यही होगा या बालक वालक होगा किसी के तो हाँ यार ठीक ही थे हेल्दी थे तभी तो बच्चा हो गया इसको नहीं बोलते ठीक है।, है हमारी आ, क्या है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो बोलती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी हम ऐसे ही किसी को नहीं बोलते हैं कि जिससे बॉडी आपकी हेल्दी है रिप्रोडक्टिवली या रिप्रोडक्टिवली आप मेच्योर हो चुके हैं तो आप हेल्दी हैं ना तो क्या कहती है आपकी डब्ल्यूएचओ कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी इंसान कब होगा जब फिजिकली फिजिकल साइकोलॉजिकल बिहेवियरल एंड सोशल which leads to the responsible safe and satisfying reproductive act status फाइन रिप्रोडक्टिव लाइफ बहुत कुछ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सिर्फ रिप्रोडक्टिवली या फिजिकली हेल्दी होना इज नॉट नेसेसरी इज नॉट इंपॉर्टेंट या इज नॉट द ओनली सोलली क्या है मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये मतलब नहीं है सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ व्हेन यू आर फिजिकली फिट फिजिकली तो है ही है साइकोलॉजिकली भी हूँ कुछ लोग आपने देखा होगा इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर टाबू बना दिया जाता है या फिर बहुत अलग तरह से सोचा जाता है गलत तरह से सोचा जाए सोचा जाता है दैट पर्सन इज़ नॉट रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बिहेवियर में अगर उसके गलत चीज़ें हैं जिस चीज़ के लिए प्रोसेस है उससे अलग हट के आपकी एक्सट्रीम लेवल का है जो आपने देखा है कंडीशंस आजकल है ना सोशल को भी उसी में इन्वॉल्व कर लेते हैं रेप केसेस हैं यू डोंट नो व्हाट इज़ योर एक्चुअल नीड उस नीड को आपने इतना पैम्परिंग कर दी उसकी रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ा दी कि यहाँ से आप सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं तो सोशल इवेल्स को लीड करती है वो चीज़ तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं है पर्सन ठीक है जो ये एक्ट कर रहे हैं सोशल इविल एक्ट्स कर रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं दोज आर नॉट रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन कौन से इवल्ट एक्ट हैं छेड़छाड़ी है, छेड़ है ना और रेप्स uh, क्या ये लोग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन नहीं है भाई तो नहीं है वो हेल्दी ये सब चीजें रिस्पॉन्सिबल जो रिप्रोडक्टिव या सेक्शुअल एक्ट है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल है ना सेफ हो सेफ का मतलब यहां पर क्या है ताकि हम उसको अवॉइड कर सकें टू अवॉइड एस टी डीज एस टी डीज क्या है एस टी डीज हैं बेटा सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिशीज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो सेक्शुअल एक्ट करते टाइम ट्रांसमिट हो रही है पर्सन टू पर्सन उनको बोलते हैं सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस आपके एनसीआरटी में कुछ डिसीज का नेम है ट्रांसमिटेड ट्रांसमिटेड पर्सन टू पर्सन ड्यूरिंग सेक्शुअल एक्ट ठीक है उसको आप क्या बोल रहे है? Sexually transmitted diseases. Examples हैं सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस एग्जाम्पल्स हैं बेटा आपके कुछ बैक्टीरियल डिसीजेस हैं गोनोरो और सिफाइलिस ये बैक्टीरियल डिसीजेस हैं बेटा किससे स्प्रेड हो रही हैं पर्सन टू पर्सन थ्रू सेक्शुअल एक्ट ठीक है कुछ वायरल होती हैं खतरनाक सी ये मैंशनड है आपके एनसीआरटी बुक में ठीक है इसलिए आपको पढ़नी है वार्ड्स आपके एच आई वी एड्स जोनाइटल हर्पीज ठीक है ये सब क्या है बेटा आपकी आपके हैं ये बेटा एस्टडीज ठीक है एस्टडीज मतलब सेक्शुअल एक्ट के दौरान जो आपकी पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो रही है वो डिजीजेज हैं ये उनका ख्याल रखना सेफ होना चाहिए सेटिस्फाइंग होना चाहिए ठीक है सेटिस्फाइड हो इंसान अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है तभी वो सोशल लेवल्स को परफॉर्म करने के लिए उसके अंदर जो इच्छा जागृत होती है वो हो जाती है वैसे ये दूसरों पे डिपेंड नहीं करती है वो इंडिविजुअली डिपेंडेंस है जो लोग कहते हैं ना कि हाँ लड़कियाँ इस तरह से एक्ट कर रही हैं इसलिए ये सब चीज़ हो रही हैं लड़कियाँ ऐसे पहन रही हैं कपड़े इसलिए हो रहा है या एक बात समझ में नहीं आती है फिर कि जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं ना दस महीने की हो रहा है सात साल की छः साल की बच्ची वो कैसे मतलब कितना पर्दे में रहे हर एक बच्चा पैदा होते ही पर्दे में रहेगा है ना तो ये इंडिविजुअली है डिपेंड नहीं करता एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर कि वो क्या करना चाहता है वो अपनी लाइफ में क्या करने का सोचा है उसने या उसकी लाइफ के क्या वैल्यूज़ हैं सिर्फ वैल्यूज पर डिपेंड करता है और कुछ भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए तो ये हम लोग को ध्यान रखना है और इन सब चीज़ों को जब ध्यान रखा जाता है तब हम उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन बोलते हैं जो इन चीज़ों का ख्याल रखता है या इन चीज़ों में फिट होता है तो ये आई होप समझ में आ गया तो ये बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ किस किस चीज़ों पर डील कर रही है रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेसिकली डील्स विथ डील्स विद दो चीज़ों पे दो चीज़ों को रखेगी ख्याल दो चीज़ों का एक तो यही हो गया बेटा है ना प्रिवेंट प्रिवेंट अवॉइड लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा अवॉइड अवॉइड एस्टिडीज और अवॉइड अनवॉन्टेड प्रेग्नेंसी ठीक है अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी को जो अनवॉन्टेड है रिस्पॉन्सिबल इसलिए लिखा है ना कि रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए पता होना चाहिए कि भैया ये हमें फैमिली स्टार्ट नहीं करनी अभी वे जस्ट डूइंग दैट जस्ट लाइक दैट कुछ ऐसा नहीं है कि फैमिली प्लान कर रहे हैं इसलिए सेक्सुअल एक्ट किया जा रहा है तो उस केस में अन uh, या अन इंटेंशनल जो प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद फिर क्या कराना पड़ता है टर्मिनेशन बॉशन तो उस चीजों से बचना है है ना हमको पता होना चाहिए कि जो हमारा सेक्शुअल एक्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए उसको अवॉइड करना या एस्टडीज को अवॉइड करना ये सब आपका क्या आ जाते हैं बेसिकली आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रिंसिपल्स में आ जाते हैं जिसकी बात हम इस चैप्टर में अभी इस टॉपिक में करने वाले हैं तो आपके जो इस टॉपिक का मेन है दैट इज कॉन्ट्रासेप्शन ये इन दोनों चीजों को क्या करेगा डील करेगा कॉन्ट्रासेप्शन मैथड्स स्कोर अप कर दो यहीं पर देख लेते हैं ठीक है उसके बाद मैं फिर एक एक करके सबके बारे में बताऊंगी तो बेटा क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स कॉन्ट्रा गया इसकी बात करेंगे बेटा इस चार, इस टॉपिक में हम कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स के बारे में कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स आपको बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है बस आपको थोड़ी चीजें समझ में आनी चाहिए या पता होने चाहिए उसके बाद आप लोग डीपली से फर्दर तो क्लास में पढ़ेंगे तो कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड क्या है जिसमें हम एसडीज को आ, क्या कर रहे हैं उसमें कोशिश करेंगे कि एसटीडीज ना हो, प्रिवेंट अवॉइड करें आ, और दूसरी चीज हम लोग देखेंगे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी कैसे नहीं होती है तो बेसिकली अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए है ये इसमें so, बहुत सारे आपके क्या हैं मैथड्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे आज फर्स्ट इज नेचुरल मैथड देन बैरियर मैथड मैकेनिकल बैरियर मेथड या मैकेनिकल मेथड भी कहते हैं आप मैकेनिकल बैरियर मेथड केमिकल मेथड केमिकल में आप हार्मोनल भी लिख सकते हैं बेटा हार्मोनल मेथड एंड देन सर्जिकल मेथड ठीक है ये चार मेथड्स है दीज आर टेम्परली इसमें आपके पक्की तौर पे आप कोई चीज़ नहीं निर्धारित कर सकते हैं कि नहीं होगी इसमें हो सकता है लास्ट वाले में आपका पर्मनेंसी आ जाती है कि भाई प्रेगनेंसी नहीं होगी देखते हैं क्यों मैंने ये बात बोली नेचुरल मेथड में क्या होता है ऐसा मैकेनिकल में क्या यूज़ करते हैं केमिकल में क्या यूज करते हैं और सर्जिकल में बेटा हम क्या करते हैं नेचुरल में सिंपल सा है जिसका नाम है क्वाइटस इंटरप्टस क्वाइटस इंटरप्ट इंटरप्ट Interrupt की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है पता नहीं गलत ही है बेटा समझ में नहीं आ रहा क्या गलत है पर गलत है चलो देख लेना ठीक है इंटरप्ट हो जाता है कोई बात नहीं ठीक लग रही है। तो इंटरप्ट क्या होता है इसी को बेटा बोलते हैं इसमें क्वाइटस को इंटरप्ट कर देते हैं बॉडी में वे में जैसे ही इजाकुलेशन करने वाला होता है तो इजाकुलेशन बॉडी के अंदर नहीं बाहर करते हैं। मतलब इस इस पर्टिकुलर एक्ट में या मेथड में क्या करते हैं इजैकुलेशन इजैक्युलेशन ऑफ सीमन आउटसाइड द फीमेल बॉडी पूरा एक्ट किया बट जब इजुकुलशन का इजैक्युलेन का टाइम आया तो बॉडी के बाहर उसको इजैकुलेट आउट किया जब बॉडी के अंदर सीमन गया ही, नहीं तो उस पर हम अंदर पहुंचेंगे नहीं तो फर्टिलाइजन कैसे होगा तो यहां पर बेसिकली हमने सिर्फ खाली एक चीज को डील करा है जो कि है आपका अवाइड प्रेगनेंसी क्या इससे से बच सकते हैं नहीं नहीं बन सकते ना बॉडी तो कंटेक्ट में आ रही है तो यहां पर एसटीडीज से आपको प्रिवेंशन नहीं होगा आप से सॉरी प्रिकॉशन नहीं ले पाएंगे बच नहीं पाएंगे बट आप क्या करेंगे प्रिवेंट प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे सही मैं भी मतलब कंफ्यूज हो जाती हूं प्रिवेंशन आपका किसका नहीं होगा एसटीडीज का नहीं होगा बट आप यहां पर क्या कर लेंगे आ, प्रेगनेंसी को रोक देंगे तो यहां पर प्रिवेंट प्रेगनेंसी लेकिन बेटा ये फुल प्रूफ तरीका नहीं है इसमें भी हो जाता है तो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर देंगे बट uh, किसको एसटीडीज प्रिवेंशन इसका नहीं होगा या यहाँ पर हम प्रिवेंट नहीं कर सकते किसको प्रेगनेंसी को अनवांटेड सॉरी एसटीडीज को दूसरा है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या आता है बेटा बड़े आर्ट्स आते हैं इसके तो है ना अब तो बहुत ब्रॉड माइंडेडनेस आ गई है इस बारे में दैट इज क्वान्डम ठीक है अब कॉन्डम में बेटा क्या चीज़ है दोनों तरीके के होते हैं मेल कॉन्डम्स भी आते हैं और फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं ठीक है मेल और फीमेल दोनों कॉन्डम्स आते हैं मेल में क्या होता है ये पेनिस को क्या कर देता है कवर पेनिस कवरिंग होती है ठीक है पेनिस को कवर कर दिया जाता है कवर कर देंगे तो वो क्या करेगा जो सीमेंट रिलीज करें जाकलेट करें फीमेल बॉडी में नहीं होगा और ये पूरी तरह से कवर्ड है तो फीमेल बॉडी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं है मेल बॉडी से तो ये एस्टडीज के लिए भी क्या है इंपॉर्टेंट है और आपके स्टडीज को प्रिवेंट करने के लिए भी और आपके प्रेगनेंसी को भी तो दिस इज द फुल प्रूफ तरीका टू तो प्रिवेंट बोथ स्टडीज एज एस वेल एज प्रेगनेंसी ठीक है फीमेल में आपके क्या कर देते हैं अंदर जो यूट्रस वाला विजैनल वाला पोर्शन है उसको कवर कर देते हैं तो ये हो गया बहुत सारे और भी चीजें होती हैं बट इसमें डायफ्राम कवरिंग्स होती है सर्विस कवरिंग होती है बहुत सारी चीजें फीमेल में भी आती हैं मैकेनिकल बैरियर में तो ये समझ में आ गया ठीक है इसमें क्या करा हमने प्रिवेंट द एंट्री ऑफ प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सिमिन इन दीमेल बॉडी ठीक है थ्रू अ बैरियर थ्रू अ बैरियर बैरियर लगा दिया ना पुलिस नहीं जाने देती रोड पे तो बैरियर लगा देती है अंदर जाएगा ही नहीं इंसान तो क्या करेगा कांड तो यहां पर क्या हो जाएगा प्रिवेंट प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म वेंट फर्टिलाइजेशन और प्रिवेंट प्रेगनेंसी केमिकल मैथड केमिकल हार्मोनल या केमिकल या हार्मोनल मेथड में क्या आ जाएगा बेटा इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो यूट्रस में अंदर डिवाइस फिट होती है या उसको इंट्रलाइज की जाती है उन डिवाइस को बोलते हैं आईओडीस ठीक है आइडियाज दिए जाएंगे एग्जाम्पल है आपका कॉपर टी एग्जाम्पल कॉपर टी ये क्या है कॉपर रिलीजिंग कॉपर को रिलीज कर रही है और ये जो कॉपर है बेटा वो सम हाउ हाउ प्रिवेंट या क्या कर देगा आपके इनहिबिट कर देगा दी स्पर्म मोर्टिलिटी स्टम मोटिलिटी मतलब स्टम्प स्पर्म पर मतलब नहीं मोटाइल नहीं है या मूव नहीं कर सकता मूव नहीं कर सकता इसकी वजह से क्या होगा प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन एंड हैंड्स प्रिवेंट क्या पढ़ देते हैं प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होने वाला होता है प्रेगनेंसी तो प्रेगनेंसी प्रेग्नेंसी आपकी क्या अवॉइड कर दी ठीक है ये तरीका समझ में आ गया कॉपर रिलीजिंग कोई केमिकल दिया जैसे कि ये सब चीजें हुई केमिकल वाला आयोडीज उसके बाद बात करते हैं बेटा हार्मोनल हार्मोनल में क्या आ जाएगा बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ठीक है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सहेली नाम सुना होगा ना आपने माला डी ये सब क्या है आपके कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं ये पिल्स करती क्या हैं ये बेटा डोज देती हैं किसकी हार्मोनल डोज ये होती है हार्मोनल डोजेस हार्मोनल डोजेस विच प्रिवेंट या फिर इनविट दोविलेशन प्रोसेस या रोक देती हैं किसको ओवियेशन को कैसे विच इनिबिट द रिलीज या यानी ओवलेशन इज वट द रिलीज ऑफ ओवा ओवम फ्रॉम ओवरी इन टू द फेलिपिन ट्यूब फेलिपिन ट्यूब में ही तो आती है क्या आता है आपका ओवरी सॉरी ओवियो ओवम एम्पुलर रीजन में फिर यहां से आ रहा होता है क्या स्पर्म उसको फर्टिलाइजेशन होगा अब यहां से ओवा निकला ही नहीं ओवम निकला ही नहीं तो स्पर्म पर के बेचारा ढूंढेगा उसको पहले तो ढूंढेगा कहां से उसके पास एक स्ट्रीम आ रही होती है हॉर्मोन्स की जिसके वजह से इधर उधर मूव करते हैं मूव भी करेगा उसको ओवर मिलेगा ही नहीं फर्टिलाइज करने के लिए अब फर्टिलाइजेशन करने के लिए ओवर मिलेगा ही नहीं तो ये ये क्या होगा आपका एब्सेंस ऑफ ओवर तो प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन लेकिन बेटा इसके होते हैं साइड इफेक्ट्स इनके होते हैं साइड इफेक्ट्स इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं इसमें एक और आपका पिल्स है इमरजेंसी पिल्स ये तो बेटा नॉर्मली ली जाती हैं आपके कुछ गैप्स है मंथली कुछ फीमेल्स लेती हैं जो नहीं लेनी चाहिए वो लेती हैं और कुछ होती हैं जिन्होंने पिल्स नहीं ली इन पर आप पिल्स पे नहीं हैं वो और सेक्शन टकोस हो गया और उन्हें डर है कि शायद मैं फर्टाइल चल रही थी इस ये पीरियड मेरा जो था फर्टाइल पीरियड था मुझे प्रेगनेंसी मैं एक प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हूँ अब क्या करेंगी वो वो लेती हैं इमरजेंसी पिल्स इमरजेंसी पिल्स। इनको सेवेंटी टू बहत्तर घंटे वाली पिल्स भी कहते हैं के 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 बाद बहत्तर घंटे, बहत्तर ही बोलते हैं ना इसको बेटा अंदर, अंदर 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 आपने अगर ये पिल्स ले ली तो क्या होगा प्रेगनेंसी को आप कंसीव सॉरी प्रेगनेंसी को आप क्या कर सकते हैं अवॉइड कर सकते हैं तो इसमें होता क्या है इसमें भी बेटा हार्मोनल डोजेज हैं बट हाई डोजेस हैं बहुत हाई डोजेस हाई डोजेज ऑफ हार्मोन्स तो ये करके आ रही है बेटा ये आपके हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ रही है ये क्या कर रही है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और इमरजेंसी पिल्स क्या कर रही है बेसिकली ये आपके हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ रही हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट्स भी आएंगे बहुत सारे प्रेगनेंसी तो आप कर लेंगे अवॉइड लेकिन आपके साइड इफेक्ट्स भी बहुत देंगी ये जो आपके मैथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन के ठीक है ये हो गया बेटा केमिकल मैथड इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो डिवाइसराइन के अंदर होती है जो कि आपकी कॉपर्टी का एग्जांपल है कॉपर रिलीजिंग है जो स्पम की मोटीलिटी को इफेक्ट कर रही है स्पम ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन कैसे करेगा फर्टिलाइजेशन कभी भी ओवर घूमकर आया यूटरस में नहीं होता होगा वहीं फेलोपिन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो जब तक आपका स्पम वहां पहुंचेगा नहीं फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और यहाँ पर ये यह क्या कर रहे हैं स्पम को ही उसके ही घूमना फिरना बंद कर दे रहे हैं हा? कॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में आप डोजेस दे रहे हैं किसकी हार्मोन्स की प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दो हार्मोन की बात करिए उन्हीं के डोजेस दे रहे हैं जिसकी वजह से ओविलेशन नहीं हो पा रहा है नहीं होगा मतलब रिलीज ऑफ ओवम ओवम रिलीज नहीं करेगा तो एमपिले तक पहुंचेगा नहीं वहां तक नहीं पहुंचे फर्टलेशन नहीं होगी फर्टिलेशन नहीं होगी तो आप अवॉइड कर देंगे प्रेगनेंसी इमरजेंसी पिल्स में अगर नहीं इन पिल्स में नहीं है कोई और यह चीज हो चुकी है तब कैसे अवॉइड करना है उसको शक है कि हो सकता है मैं कंसीव कर लूँ सेवेंटी फाइव सेवेंटी टू आवर्स के अंदर अंदर आपने क्या लेना है ये इमरजेंसी पिल्स लेने हैं जिस में क्या होता है हाई हाइड्रोजिज होते हैं हॉर्मोन्स के सेम वर्क करते हैं ओविलेशन को क्या कर देते हैं आपके uh, क्या कर देते हैं ओविलेशन को सॉरी इम्प्लांटेशन को इफेक्ट करते हैं ये क्या करते हैं इम्प्लांटेशन को इफेक्ट कर देते हैं इम्प्लांटेशन मतलब फर्टिलाइज हो गया लेकिन जब आकर जो हमने एंडोमेट्रियम की वॉल्स बनाई थी उनको डिग्रेड करना शुरू कर देगा ठीक है तो आपको इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा तो ये इम्प्लांटेशन को इफेक्ट करता है इफेक्ट्स इम्प्लांटेशन ठीक है ये हो गया लास्ट है बेटा सर्जिकल मैथड सर्जिकल मेथड मैथड में आपके दो हैं ट्यूबिक्टी और वेसिक्टोमी वेसिक्टोमी और ट्यूबिक्टोमी इसका मतलब क्या है आपने सर्जरी कर ली है ट्यूबिक्टी में ये क्या है इन फीमेल्स इन मेल्स वेसिक्टोमी में मेल्स में करते हैं हम फीमेल्स में क्या करते हैं या तो सर्जरी करके सर्जरी करते हैं कट करते हैं या टाई करते हैं या बांध देते हैं किसको टाई दी फेलोपियन ट्यूब अब देखो जब बांध देंगे हम फेलोपियन ट्यूब को तो फेलोपियन ट्यूब क्या करेगा आपने वहां पर अपना स्पर्म जा सकता ना ओवा आ सकता आगे ठीक है मैंने क्या करा इसको मैंने कट कर दिया और यहाँ बांध दिया ठीक है तो क्या यहाँ से ओवा यहाँ पहुँच पाएगा या यह यहाँ से जो स्पम आया वो यहाँ जा पाएगा नहीं जा पाएगा ना तो क्या फर्टिलाइजेशन इससे हमने प्रिवेंट नहीं कर दी कर दी इसके बाद मैंने इसको या तो सिर्फ बांध दिया तो ये यहाँ से ओवा नहीं जा पाएगा यहाँ से स्पम नहीं जा पाएगा फिर से आपने क्या कर दिया स्पम को वहाँ से या फिर आपने दोनों स्पम और ओवा का फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन रोक दिया तो इससे समझ में आया आपको कैसे आपने कॉन्ट्रसेप्शन किया लेकिन ये सारे मेथड्स में बेटा आपने क्या करा है यहां और यहां आपने एसटीडी से प्रोटेक्ट नहीं करा एसटीडी से सिर्फ आप यहां पर प्रोटेक्टेड रहेंगे जो मैकेनिकल बैरियर का यूज करेंगे तो कट और टाई कर दिया फेलोपिन ट्यूब को जिससे कि क्या हो जाएगा फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाएगी प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन ठीक है यहां क्या करा बेटा थ्रू सर्जरी थ्रू सर्जरी आपने क्या करा कट एंड टाइड किसको वास डिफरेंस को वास डिफरेंस याद होगा आपको क्या था स्क्रोटम है ना स्क्रोटम से ओवरी है ये क्या था एपिडाइडमिस और यहां से क्या निकल रही थी वास डिफरेंस निकल रही थी इसको क्या कर देंगे हम कट कर दो और बांध दो ठीक है या फिर आप इसको बांध ही देंगे तो यहां पर क्या प्रोड्यूस हो रहे थे बेटा स्पम प्रोड्यूस हो रहे थे तो क्या ये स्पम आगे जा पाएंगे और आगे नहीं गए तो क्या घूम कर घूम कर यहाँ पेनिस के थ्रू आपके बाहर निकल पाएंगे बॉडी से नहीं है ना नहीं आ पाएंगे घूम कर तो आपका यहीं पर आपने क्या लगा दिया वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया तो यहां पर भी आप क्या कर रहे हैं प्रिवेंट कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं समझ में आ गया आपको टाई कर दिया तो बेचारा वो बॉडी से बाहर जा ही नहीं रहा जाएगा नहीं तो फीमेल बॉडी तक पहुंचेगा कैसे ठीक है तो ये मेथड्स क्या है सर्जिकल मैथड थ्रू सर्जरी किए जाते हैं परमनेंट है ये मैथड्स दीज थ्री मैथड्स आर टेम्प्ररी टेम्प्ररी है ना ये ये पर्मनेंट है समहाव पर्मांट ही है तो आई होप समझ में आ हो गया लास्ट टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूरा आपने सारे टॉपिक्स यहाँ पर देख लिए इससे पहले हमने समझ लिया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है अब आप देखें आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है हैं या नहीं है जो बच्चे मेशो साइकिल को लेकर भी मजाक उड़ाते हैं फीमेल्स का या बच्चियों का तो वो भी बेटा रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है समझो कि हमें रिप्रॉक्टिवली हेल्दी बनना है हेल्दी अपनी सोसाइटी के लिए भी हेल्दी रहना है ख़ुद के लिए भी ठीक है तो इन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे तो अच्छे इंसान बनेंगे और ईश्वर सम हों आपके साथ रहता है हमेशा अगर आप अच्छे इंसान अच्छे इंसान बनिए और पढ़ते रहिए एंड गॉड ब्लेस यू